हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। आप देख रहे हो एके मास्टर पॉइंट। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये आईफोन और आईफोन के व्हाट्सएप पर अगर आप चैटिंग कर रहे हो तो आपसे गलती से चैट डिलीट हो गई, या फिर आपने जानबूझ के कर दी, या किसी भी रीज़न की वजह से आपने डिलीट हुई कभी की भी चैट, कितनी पुरानी चैट आप रिकवर करना चाहते हो वापसी, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सारा का सारा प्रोसेस। बस उससे पहले क्या है कि भाई साहब, आपको क्या करना है, मतलब कि सबसे पहले तो मैं चैटिंग बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, एंड व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो चैटिंग है ना, इसको हम रिकवर करने वाले हैं डिलीट करने के बाद, ठीक है। तो मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप विदाउट टाइम विदाउट इसकी वीडियो मत देखने, नहीं तो जो चैट आपकी अदर है वो भी डिलीट हो जाएगी और बाद में आप बोलोगे कि ये क्या हुआ, ठीक है। कमेंट करने से बाद में कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना है, नहीं तो कुछ और हो जाए तो बाद में मुझसे मत कहना कमेंट में, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर से मैं इस चैट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर चैट पर क्लिक कर देता हूँ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी चैट मेरे पास नहीं रही है। चाहूँ तो ये भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा क्लियर चैट हो चुका है। दोनों चैट, दोनों ऐप फोनों से ये चैट हमारी डिलीट हो चुकी है, देख सकते हो एक भी मैसेज नहीं रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये करना है, सिंपली अपने व्हाट्सअप को यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐप स्टोर से इस एप्लीकेशन को, मतलब वापस से आपको यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सअप को बिजनेस को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे ही व्हाट्सअप बिजनेस करके आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके सामने, अरे यार व्हाट्सअप ठीक से नहीं लिखा यार। व्हाट्सअप बिजनेस करके आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आएगी, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो आपको रीइंस्टॉल ज़रूर करना पड़ेगा एक बार डिलीट करके। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता तो आप क्लियर डाटा कर लेते, उससे काम हो जाता है, लेकिन एंड्रॉयड आईफोन में ये काम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब कि थोड़ी देर वीडियो को स्किप करना पड़ेगा बिकॉज। तो दोस्तों, ये हमारी एप्लीकेशन लगभग डाउनलोड हो चुकी है, एंड ये जब तक डाउनलोड होती है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो एप्लीकेशन आपको व्हाट्सअप ओपन करना है, एंड व्हाट्सअप ओपन करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका नंबर से आपकी व्हाट्सअप बनी होगी। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना मोबाइल नंबर, यार सिंपल ये नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका डायरेक्ट व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट्सअप ओपन होने के बाद आपको सिंपली रिस्टोर चैट और हिस्ट्री पर क्लिक करना है। जैसे आप रिस्टोर चैट पर क्लिक करोगे तो ये सारा का सारा जो प्रोसेसिंग होना वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही कुछ देर के लिए लोडिंग लेगा, एंड लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि रिस्टोर इट हो चुका है, नेक्स्ट करना है। एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यानी कि तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अलाउ परमिशन करना है कंप्लीट, एंड सब कुछ कंप्लीट करने के बाद चैट में जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो चैट होगी ना, वो टाइमिंग मिला सकते हो, आपकी रिकवर हो चुकी है, दोनों चैट रिकवर हो चुकी है। डिलीट एवरीवन से जो मैसेज था वो जैसे का जैसा ही आ गया, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई ये रिकवर होती है तो कैसे होती है। तो दोस्तों, आपको सेटिंग में जाना है, एंड चैट में जाना है, एंड चैट में जाने के बाद आपको चैट बैकअप पर चेक कर लेना है कि आपका लास्ट बैकअप कब हुआ था। तो लास्ट बैकअप हमारा 6 मिनट पहले 10:40 पर ही हुआ था, तो वो जो मैसेज थे वो बैकअप में आ चुके थे, इस वजह से ये रिकवर हो गए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपका बैकअप में नहीं हो पाएगा तो आप फालतू आप जो भी चैट है आपकी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है।